हम लोग समझ गए थे क्या क्या, लहा और केदू पत्ता, गौन उत्पाद की बात कर रहे थे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तसर। तो लगाइए हेडिंग आप लोग, तसर। तसर रेशम लिखिएगा, पूरा क्या लिखिएगा, तसर रेशम। तसर रेशम, बैकग्राउंड ठीक है ना, ब्लैक कर दें। तसर रेशम लिखिए आप लोग, तसर रेशम। तसर रेशम, एक्चुअल में तसर क्या है, रेशम का एक प्रकार है। रेशम कई सारा होता है, उसमें एक क्या है, तसर है। शहतूत रेशम, मूंगा रेशम, मलबरी रेशम, उसमें क्या है, तसर। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तसर क्या है, रेशम का एक प्रकार है। तसर रेशम का एक प्रकार है, क्या लिखेंगे, तसर क्या है, एक्चुअल में एक टाइप का रेशम है। पहला पॉइंट यही लिखना है कि तसर रेशम का एक प्रकार है। फिर क्या लिखना है कि तसर के उत्पादन में, सॉरी, रेशम के उत्पादन में, ऐसा लिखिएगा, रेशम के उत्पादन में भारत, रेशम के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में, रेशम के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में अग्रणी है, मतलब पहला स्थान रखता है। रेशम के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। इतना सारा अंग्रेज लोग यहाँ पे क्यों आया था, यही ना, सिल्क रूट की भी बात करते हैं हम लोग, चाइना वगैरह से जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग भी यहाँ से रेशम लेके जाता था, सिल्क लेके जाता था, और वहाँ जाके कपड़ा बना के खूब महंगा में बेचता था। और भारत में कौन है, तो क्या लिखेंगे, भारत में तसर रेशम का, भारत में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। भारत में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड राज्य में होता है। याद रहेगा, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है। क्लियर, लिखिए कि वर्तमान में पूरे भारत के, वर्तमान में पूरे भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन का, वर्तमान में मतलब 2021-22 की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्तमान में पूरे भारत में, पूरे भारत में कुल तसर रेशम उत्पादन का, कुल तसर रेशम उत्पादन का 76.4% 76.4% झारखंड में हुआ है। 76.4% कहाँ हुआ है, झारखंड में हुआ है। ये एकदम करेंट डेटा की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग कि पूरे भारत में क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। रेशम का कई प्रकार है, मूंगा है, तसर है, मलबरी है, कई शहतूती है, कई प्रकार है, उसमें से एक कौन है, तसर। और रेशम के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला स्थान, और तसर के उत्पादन में भारत में सबसे आगे, और झारखंड पूरे भारत का कितना परसेंट, बात समझ में आया, इतना अकेले उत्पादन करता है, मतलब झारखंड का रैंक क्या है, पहला है। तो तसर जो उत्पादन होता है उसके लिए भी क्या होता है, कीड़े को पाला जाता है, कीड़ा के कीट को पालन करना पड़ता है। बाद में वही कीट क्या बनाता है, कोकून बनाता है, और उस कोकून से फिर क्या बनता है, तसर बनता है। तो लिखिए कि तसर के उत्पादन के लिए तसर कीट का पालन, तसर के उत्पादन के लिए तसर कीट का पालन, तसर कीट का पालन मुख्यतः
साल, सहतूत, साल, सहतूत और अर्जुन के पेड़ में, साल, सहतूत और अर्जुन के पेड़ में किया जाता है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि तसर कीट का जो पालन किया जाता है वो किस किस पेड़ में किया जाता है? साल, सहतूत और अर्जुन के पेड़ में किया जाता है। बहुत सारा पेड़ मिलता है, तो दिखाएं आप लोग को, देखिए एक बार अर्जुन ट्री दिखाएं। महाभारत वाला अर्जुन नहीं दिखेगा तो ये एक्चुअल में क्या था? लहा था। अर्जुन तेंदुलकर आ जा रहा है, अर्जुन ट्री, ये देखिए, ये होता है अर्जुन का पेड़। ऐसा बहुत देखे होंगे, यहीं पे तो है ना? ये कौन सा पेड़ है? अर्जुन का पेड़ है। चलिए हाँ, सहतूत देखना है, एक मिनट रुक जाइए। कौन कौन सहतूत ने देखा है? खाए भी होंगे, खट्टा खट्टा खाने में लगता है। कौन नहीं खाया है? पूरा खाने में मजा आता है, एकदम खट्टा मीठा स्वाद आता है ना, यही तो है। वही है सहतूत, ठीक, सहतूत, साल, और सखुआ तो हम लोग जानते ही है। सखुआ के बारे में जानने में टेंशन नहीं है। तो मेन साल, सहतूत और अर्जुन के पेड़ में किसका पालन करते हैं? तसर के कीड़े का पालन करते हैं। लिखिए कि इसी से कोकून का निर्माण होता है। इसी रेशम कीट के पालन से किसका निर्माण होगा? कोकून। हाँ, कि इसी कीट से कोकून का निर्माण होता है, इसी कीट से कोकून का निर्माण होता है, जिससे इसी कीट से कोकून का निर्माण होता है, गोल गोल बनेगा, कोकून का निर्माण होगा, जिससे तसर की प्राप्ति होती है, धागा के टाइप का मिलेगा, जिससे तसर की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तसर की प्राप्ति होती है, ठीक है। अच्छा, झारखंड क्षेत्र में जो मेन टाइप का तसर का कीड़ा पालन होता है उसका नाम डाबा है। डाबा, हाँ, डब्बा नहीं, तसर। कोकुन देखना, रुको, ये देखो तसर का कोकून है, ठीक है, यही होता है कोकून। ये देखो, ये होता है तसर का कोकून। इसी से क्या निकलता है? तसर निकलता है। खैर, आगे लिखिए, क्या लिखा रहे थे आगे? कि झारखंड में, हाँ, तसर कीट के प्रमुख प्रजाति का, झारखंड में तसर कीट का प्रमुख प्रजाति कौन है? डाबा है, डाबा प्रमुख प्रजाति, जो हम लोग तसर कीट का पालन करते हैं उसका प्रमुख प्रजाति कौन है? डाबा है, DAB, डाबा। झारखंड में तसर कीट का प्रमुख प्रजाति क्या है? डाबा है, ठीक। आगे बढ़े, चलो, अब झारखंड का क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, मतलब जो तसर है वो बहुत फेमस है। और अभी अभी पेपर में ये न्यूज एकदम और हाईलाइटेड है। अभी अभी मोदी जी गए थे कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका में जो बाइडेन को एक कपड़ा, हैंडलूम कपड़ा एकदम उसको समर्पित किया गया, तो वो कहाँ से बना था? अपना झारखंड का ही था। कहाँ से था? झारखंड, गोड्डा,
गोड्डा में भगैया जगह है, उसको भगैया सिल्क कहा जाता है। तो अलग अलग सिल्क का कुछ नाम है, ठीक है, तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए देखिए, झारखंड के या हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या नाम है, चेंज हो गया है अभी, कौन है, जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को झारखंड में निर्मित तसर सिल्क का कपड़ा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को झारखंड में निर्मित तसर सिल्क का कपड़ा गिफ्ट दिया, है ना, कपड़ा गिफ्ट किया, झारखंड में निर्मित तसर सिल्क का कपड़ा गिफ्ट किया, ठीक है, लिखिए गिफ्ट दिया, लिखिए गुलाबी रंग का ये कपड़ा, रंग भी लिख के रखिए, गुलाबी रंग का ये कपड़ा झारखंड के गोड्डा स्थित भारत सरकार के मेगा हैंडलूम क्लस्टर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, मेगा हैंडलूम क्लस्टर में बनाया गया है। याद रखिएगा, साहिबगंज गोड्डा में ये जो तसर जो दिया गया है ना, इसको भगैया सिल्क कहा जाता है या भागीरथी सिल्क भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम लोग, जो कपड़ा गिफ्ट किया गोड्डा का कपड़ा है, गोड्डा में बना है, तो गोड्डा और साहिबगंज में, क्या लिख दे रहे हम, साहिबगंज, तीनों लिखाएंगे, ठीक है, साहिबगंज और गोड्डा का जो तसर है उसको क्या कहा जाता है, भगैया सिल्क कहा जाता है। कौन सा सिल्क कहा जाता है, भगैया सिल्क कहा जाता है। साहिबगंज और गोड्डा में जो सिल्क का उत्पादन होता है, तसर का उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है, भगैया सिल्क। गोड्डा में एक जगह है भगैया, वहीं पे ये हैंडलूम क्लस्टर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन को जो सिल्क दिया था वो कौन सा सिल्क था, वो तो कलर था, सिल्क कौन सा था, भगैया सिल्क था, ठीक है। ठीक वैसा ही सरायकेला और खरसावा में जो सिल्क होता है उसको बोलते हैं कुचाई सिल्क। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट से, साहिबगंज गोड्डा में भगैया सिल्क, वैसे लिख लेंगे सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा में क्या बोलिएगा, कुचाई सिल्क, सब तसर ही है, कुचाई सिल्क। ये न्यूज पेपर में ही आया था, कुचाई सिल्क, ठीक है। और दुमका वाला जो क्षेत्र है वो स्पेशली जो तसर हम लोग कह रहे हैं ना, इसी के लिए फेमस है, तेज तसर सिल्क। पेपर में ये भी दिया हुआ था, हम
सर्च तो नहीं किए, पेपर में ही दिया हुआ, याद रखिएगा कि खरसावां का कुचाय सिल्क और दुमका के तसर सिल्क को जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ हम भी वही आज तक पढ़े थे, पर पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब अगर किसी क्षेत्र में कोई चीज क्या है कुछ अलग है, जैसे आम ही है, लेकिन कहीं पर आम क्या होता है विशेष टाइप का आम मिलता है, अलग टाइप का। जैसे आप लोग खरीदने जाते हैं दशहरी बोलते हैं कि दशहरी आम आया हुआ है, बोलते तोतापरी आया हुआ है, मालदा आया हुआ है, कहते हैं ना आम्रपाली आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग टाइप होता है, तो हिमसागर आया हुआ है, तो उसको क्या किया जाता है कहीं कहीं पर जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है कि वो वहाँ का विशेष है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पे धुसका को दे देगा ना कि यहाँ पे अलग टाइप का धुसका बनेगा, अलग टेस्ट लगेगा। तो ठीक वैसा ही कहा गया है सरायकेला खरसावां, सरायकेला और खरसावां का कौन सा सिल्क? कुचाय सिल्क, और दुमका के तसर सिल्क को क्या मिला हुआ है? पेपर में दिया हुआ है। इससे पहले हमको ही पता था कि कोहबर और सोराय को केवल मिला है, पर पेपर में इस बार दिया है कि इन दोनों को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। किसको किसको? सरायकेला खरसावां का कुचाय सिल्क, दुमका का तसर सिल्क, और साहिबगंज में कौन सा सिल्क बनगा? भगैया सिल्क। कौन सा सिल्क? भगैया सिल्क। ठीक है, तो ये किसकी उत्पादन की बात कर रहे हैं हम लोग? तसर। आगे लिखिए कि सिल्क है वो स्पेशल है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर का चखाव चावल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो क्या वो चावल ही है ना? बस ठीक है, बिहार में क्या मिला हुआ है? मैथिली के मखाना को मिला हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला कि कुचाय सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? सरायकेला खरसावां। दूसरा क्वेश्चन, सरायकेला खरसावां के किस वस्तु को जीआई टैग मिला है? कुचाय सिल्क को मिला है। दुमका के किस वस्तु को मिला है? तसर सिल्क को मिला है। ठीक है, जीआई टैग कहने का मतलब कोई अलग चीज नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल को जो रसगुल्ला होता है, रसोगुल्ला, हाँ उड़ीसा में रसगुल्ला और पश्चिम बंगाल का रसोगुल्ला, इन दोनों को क्या मिला है? जीआई टैग। तो क्या झारखंड में रसगुल्ला नहीं बनता है? हर जगह बनता है, पर वहाँ का टेस्ट कुछ अलग है, कुछ फेमस है। जैसे हम लोग कहते हैं घोलमाड़ा का पेड़ा, बाबा धाम लोग जाता है तो पेड़ा लेके आता है, कहाँ से? घोलमाड़ा से, देवघर का पेड़ा फेमस है। तो ठीक वैसा ही है, और कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे लिखिए कि झारखंड में सिल्क के उत्पादन को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं क्या कहना है? केंद्रीय, हाँ सेंट्रल, केंद्रीय तसर अनुसंधान, सेंट्रल तसर क्या होगा? रिसर्च। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची के पिस्का नगरी में स्थित है ना? रांची के पिस्का से आगे आपको क्या मिलेगा? नगरी। तो रांची के पिस्का नगरी में क्या स्थित है? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक, जैसे नामकुम में क्या है? ICAR का क्या है? लाहा वाला, लाहा अनुसंधान, अभी नाम बदल गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। कब बना था? 1924। तो ये कब बना है? 1964, लिख लीजिए। ये कब बना था? 1964। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कब बना था? 1964। क्लियर?
याद रहेगा। तसर वाला कहाँ है? नगड़ी। अल्लाह वाला कहाँ है? नामकुम। नौ से ही नामकुम है, नौ से ही नगड़ी, इधर उधर नहीं कर देना है, है ना। लाहा वाला कहाँ ले जाना है? नामकुम। और तसर वाला नगड़ी। 1924 ये 1964, ठीक। चलिए आगे बढ़े। तो ये पूरा जानकारी हम लोग किसके बारे में रखेंगे? तसर के बारे में। अब तसर का और ज्यादा मतलब प्रबंधन के लिए, मार्केटिंग के लिए एक संस्था और काम करता है, जिसका नाम है झारक्राफ्ट। लिखिए कि झारखंड में तसर के मार्केटिंग हेतु, मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहा जाता है, मार्केटिंग ही लिखिए, झारखंड में तसर के मार्केटिंग हेतु, तसर के मार्केटिंग हेतु वर्ष 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी। झारक्राफ्ट वर्ष 2006 में किसका स्थापना किया गया था? झारक्राफ्ट। सीधा पूछ लेगा झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुआ? 2006 में। अब झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म लिखिए, झारखंड फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब फुल फॉर्म का यहां से उतना मतलब है ही नहीं। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड डेवलपमेंट, सिल्क टेक्सटाइल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंग्लिश में ही याद करना है। क्या छूट गया? अरे एक वर्ड छूटा, हैंडीक्राफ्ट। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीच में क्या लिख लेना है? हैंडीक्राफ्ट। कि पहले केवल सिल्क का विपणन कर रहा था, अब सिल्क के साथ साथ और भी कुछ करता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, हाथ से बना हुआ। हैंडलूम ही हुई, हाथ से बना हुआ मतलब क्या हुआ? कोई कपड़ा है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मशीन से डिजाइन बना हुआ है, देखिएगा हाथ से बना हुआ डिजाइन रहेगा, कढ़ाई इसको बोला जाता है, हाँ बुनाई कढ़ाई बोलते हैं ना, वही। तो उसके लिए कौन सा संस्था काम करता है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर इसका प्रोडक्ट आपको देखना है कि कहाँ पे इसका प्रोडक्ट मिलता है, तो आप लोग पतरातू घाटी जाइएगा, तो पतरातू पार्क का जो मेन गेट है उसके लेफ्ट साइड में एक दुकान है, देखिएगा वहाँ आपको झारक्राफ्ट का लगभग चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और सब्सटेंस याद रखिएगा कि हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ पे एक आर्टिस्ट का मिलता है, ढोकरा कला। हाँ झारखंड का एक क्या है, एंशियंट टाइम का क्या है, एक आर्किटेक्ट है, ढोकरा बोला जाता है, ढोकरा। क्या याद रखिएगा? झारखंड का एक प्राचीन धातु शिल्प है, झारखंड का एक प्राचीन क्या है? धातु शिल्प। इसका भी नाम क्या है? ढोकरा। तो इसका भी विपणन कौन करता है? झारक्राफ्ट ही करता है। झारखंड का एक प्राचीन धातु शिल्प का नाम क्या है? ढोकरा कला। इसमें मोम वगैरह के माध्यम से लोहा के साथ एडजस्ट करके अलग अलग मूर्तियां बनाया जाता है, ढोकरा कला। कभी जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा आपको ढोकरा कला, ठीक है। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मतलब अभी वर्तमान समय में जितना भी हैंडलूम है, कपड़ा है तसर का, उसके ऊपर में डिजाइन बना हुआ रहेगा, सौराय चित्रकारी का कुछ डिजाइन बना हुआ रहेगा। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इसके तहत क्या जाता है? मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोग बना के छोड़ दे रहे थे, बेचने वाला भी तो चाहिए,
तो उसको एक ब्रांड करके बेचने का काम कौन करता है? झारक्राफ्ट। जैसे हमारे यहाँ पर, हाँ जैसे हमारे यहाँ पर जो लकड़ी का बना हुआ आभूषण होता है ना, जैसे कि कान नाक हाथ में, आज के समय हम लोग सोना का पहन लेते हैं, प्लास्टिक वाला पहन लेते हैं, पर पहले के समय में जो आभूषण बनता था वो लकड़ी का होता था। आज भी लोग पहनते हैं लकड़ी का बना हुआ डिजाइनदार कान का आभूषण, गले का आभूषण, उसको झिपली कहा जाता है। लिख लीजिए नोट करके, इससे रिलेटेड नहीं है पर लिख कर रखिएगा कि झारखंड के या झारखंड में लकड़ी से बना हुआ पारंपरिक आभूषण, लकड़ी से बना पारंपरिक आभूषण झिपली कहलाता है। झिपली आगे पढ़ाएंगे आपको, कुसुम पढ़ाएंगे, पलास ब्रांड पढ़ाएंगे, ठीक है। वो हमारा झारखंड का लोकल मार्केटिंग ब्रांड है पलास ब्रांड, ठीक है। कुसुम स्टोर, झिपली कहा जाता है पारंपरिक आभूषण, नाक कान हाथ में पहनने वाला जो आभूषण हो गया क्या कहलाता है? झिपली कहलाता है। झिपली, झिपली, ठीक। तसर समझ में आ गया, लहा हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बांस के बारे में, एक लाइन समझना है बांस के बारे में, लिखी। हाँ तसर काफी है। तसर से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, हैंडलूम बनेगा, चादर बनेगा, बेडशीट नहीं बनेगा, मतलब वो उड़ने वाला चादर बनेगा, इतना महसौल बनेगा, बेडशीट बिछा के तसर का बहुत अमीर होना पड़ेगा। चलो लिखो, लिखिए आप लोग, अब लिखिए बांस। गौण उत्पाद में क्या लिखिए? बांस। लिखिए बांस को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है यानी हरा सोना कहा जाता है। बांस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना। लिखिए झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण, सॉरी झारखंड में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण काट दीजिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितनवा रिपोर्ट था ये? हाँ तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बांस पाया जाता है। क्या मिलता है? बांस पाया जाता है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या मिलेगा? बांस पाया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको बैम्बू देखने को मिलेगा, बांस देखने को मिलेगा। ओके, याद रहेगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बांस से कई सारा काम होता है। हमारे झारखंड में बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन समझते हैं, मतलब वही सूप बनता है, चावल करने वाला छलनी भी बनता है गिट्टी वालों को छलने के लिए, फिर क्या बनता है? बांसुरी, बर्तन बनता ही है। बांसुरी एक स्पेशल बांस से बनता है, उसका नाम है डोंगी बांस। याद रखिएगा, झारखंड में जो बांसुरी बनता है, बांसुरी एक स्पेशल टाइप का बांस से बनता है, उसका नाम क्या है? डोंगी बांस, ढोंगी नहीं, है ना, डोंगी। कैसा बांस? डोंगी बांस। तो बांस का मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारा यूजेस है। खास तौर पे इसका यूज पेज बनाने में भी होता है। जो हम लोग का पेज बन रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉपी जो बन रहा है, पन्ना, पेज बन रहा है, ये भी बांस के लुगदी से बनता है। एक्चुअली बांस क्या है? वो भी एक प्रकार घास है। बांस इज ए टाइप ऑफ ग्रास। बांस एक प्रकार का घास है, बड़ा घास है। ये सब छोटा घास है और बांस क्या है? बड़ा घास है। याद रखिए, बांस क्या है? घास का एक प्रकार है। लिख लेना है कि बांस क्या है? घास का एक प्रकार है, टाइप ऑफ बैम्बो है, ठीक है, घास का ही एक प्रकार है।
घास का ही एक प्रकार है। अच्छा एक चीज, इधर रुको एक मिनट। अच्छा ये सिल्क तो लिखा दिए थे हम लोग, झारखंड में थोड़ा बहुत मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है, याद रखिएगा, झारखंड में थोड़ा बहुत किसका उत्पादन होता है, मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है। तो सिल्क वाला में ऐड कर लीजिएगा कि कुचाई सिल्क मिलेगा, तसर सिल्क मिलेगा, भगैया सिल्क मिलेगा, और क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है। हजारीबाग वाला बेल्ट में किसका उत्पादन होता है, मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है थोड़ा बहुत, ये महंगा होता है, मलबरी सिल्क का भी उत्पादन करता है। ठीक है, झारखंड में अल्प मात्रा में, झारखंड में अल्प मात्रा में मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है, मलबरी सिल्क का भी उत्पादन होता है। किस सिल्क का? मलबरी सिल्क का। ठीक है, अच्छा एक टर्म यहाँ और हम लोग जान लेंगे, ये जो सरायकेला खरसावां का कुचाई सिल्क लिखे ना, एक गांव का नाम अगर कभी कभी आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा आमदा गांव। कुचाई सिल्क ज्यादा कहाँ पे होता है? आमदा। आमा डूबी नहीं बोल रहे हैं, झारखंड का टूरिस्ट प्लेस मतलब घूमने वाला गांव है अमाडूबी। ये कौन सा गांव है? आमदा गांव। तो आमदा गांव किस सिल्क के लिए फेमस है? कुचाई सिल्क के लिए फेमस है। और भगैया कहाँ पे है? गुड्डा, है ना, तो वहां भगैया सिल्क मिलेगा। चलो, और आमदा में कौन सा सिल्क? कुचाई सिल्क। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में वन प्रबंधन के लिए, यानी कि इस तरह के गौन उत्पाद और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन सा स्कीम लाया है, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम। तो हम लोग करंट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे, वन नीति पढ़ेंगे, वन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जेएच हैबिट ने पहली बार वन प्रबंधन किया था, फिर वन नीति आया, फिर कैंपा आएगा, ये सब जानेंगे हम लोग। लेकिन अभी अभी एक जो स्कीम है पहले उसको देख लेते हैं, क्लियर है? तो क्या हेडिंग लगाना है कि वन प्रबंधन एवं वनों के विकास, वन प्रबंधन एवं वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, वन प्रबंधन एवं वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। एकदम अपडेटेड वाला सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वनों के विकास हेतु, वन हो गया, ट्री हो गया, मतलब पेड़ से जुड़ा हुआ सब कुछ, विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, प्रबंधन एवं वनों के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अच्छा इसमें हम लोग सारा बात करेंगे, मतलब कैंपा का भी बात करेंगे, फॉरेस्टेशन को बढ़ाना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड में सरकार क्या क्या कर रहा है, झार पार्क बना रहा है, झारखंड में सरकार क्या कर रहा है, वानिकी करवा रहा है, वो पेड़ लगाओ, कौन सा जनवन योजना, फिर कितने सरकार के द्वारा, याद कीजिएगा आप लोग कि एक स्पेशल डे के दिन स्वर्णरेखा नदी के किनारे किनारे, दामोदर नदी के किनारे किनारे पेड़ लगाया गया, तो उन सभी की बातें करेंगे हम लोग। लेकिन पहला हम लोग बात करेंगे बिरसा हरित ग्राम योजना। जब हम लोग जल संसाधन पढ़ रहे थे, कहाँ पे किस लिए दिया है, हाँ आगे लिखिए, आगे आ रहे हैं, चलिए क्या लिखे हम लोग, इसके पहले हम लोग क्या लिखे थे, वन पर नहीं, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ जब हम लोग पढ़ रहे थे जल संसाधन, तो हम क्या पढ़े थे, नहीं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, उसी के साथ एक स्कीम कौन आया, बिरसा हरित ग्राम योजना, योजना लिखिए बिरसा हरित ग्राम योजना। कुछ गड़बड़ लिखा दिए थे क्या हम, अच्छा,
बिरसा हरित ग्राम योजना। तो 20 कर लीजिए, एक ही दिन में तीनों लॉन्च हुआ था, ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना, कोरोना के बाद जब सरकार लोगों को लेके आया ना, तो लोगों को रोजगार देने हेतु ही तीनों योजना लॉन्च किया था, लांबर पीताम्बर जल समृद्धि, बिरसा हरित ग्राम और पोटो हो योजना, खेल विकास योजना। योजना का नाम क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना। कब लॉन्च हुआ? इसका लॉन्च कौन किया? मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी। 4 मई 2020 में कौन रहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, क्या नाम है? बिरसा हरित ग्राम योजना। अब एक एक करके इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या है, इस योजना का पॉइंट क्या है, लिखते चलिए आप लोग। पहला पॉइंट लिखिए, उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसान एवं गरीब परिवारों को, किसान एवं गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर, किसान एवं गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। किस योजना का उद्देश्य है? बिरसा हरित ग्राम योजना। कब लॉन्च हुआ? चखिए, अब लिखिए लक्ष्य। अलग अलग लिखाएंगे, पहले कुछ पॉइंट लिखिए। लक्ष्य, देखिए लक्ष्य, इसका एम क्या था? देखिए इस योजना के तहत, इस योजना के तहत एम में लिखिए, लक्ष्य में लिखिए, इस योजना के तहत कुल 5 करोड़, इस योजना के तहत कुल कितना करोड़? 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। 5 करोड़ फलदार वृक्ष मतलब आम, अमरूद, ये सब कटहल, जो फल देने वाला हो, है ना। कितना करोड़? 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। लिखिए आवंटित भूमि, पॉइंट लिखा रहे हैं फिर आगे और लिखाएंगे। आवंटित भूमि, देखिए मतलब कितना भूमि दिया जाएगा। पेड़ लगाना है तो क्या चाहिए? जगह चाहिए ना। हाँ, आवंटित भूमि, देखिए इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1400 एकड़, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1400 एकड़, कितना एकड़? 1400 एकड़ प्रति भूमि, जहां पे खेती नहीं हो रहा है, प्रति भूमि मतलब बंजर भूमि को आवंटित किया गया है। प्रति भूमि यानी बंजर भूमि को आवंटित किया गया है, कितना एकड़? 1400 एकड़, 1400 एकड़ प्रति भूमि को आवंटित किया गया है। चलिए अब आपको थोड़ा सा हम सरकार के साथ दिखा देते हैं, रुक जाइए। अभी आ रहे हैं, सारे चीज आ रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, इमेज में जाते हैं। देखिए इमेज में आ जाएगा, हमको लगता है। कौन सा ओपन कर दें? ये वाला ओपन कर दें, क्लियर होगा तो ठीक है। देखिए अब दिख रहा है। चलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया, तो करने दीजिए शुभारंभ। पॉइंट बाकी तो हम लोग समझ गए। अब योजना की मुख्य विशेषताएं और क्या क्या है, ये तो हम लोग लिख ही लिए कि राज्य भर में 5 करोड़ पौधे का रोपण। कैसा पौधा? फलदार वृक्ष। आगे देखिए,
और केवल लगा के छोड़ नहीं देना है, अगले 5 साल तक पौधे को सुरक्षित रहने में भी क्या किया जाएगा, सहयोग करेगा। और कैसे ये 5 लाख पेड़ लगाएगा, सॉरी 5 करोड़ पेड़ लगाएगा, तो 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिया जाएगा। बात समझ में आया, 100-100 मतलब 200 नहीं, मतलब एक आदमी को, एक परिवार को 100, एक परिवार को 100 फलदार वृक्ष का जिम्मा दिया जाएगा कि आप इसको लगाइए, इसको देखभाल कीजिए। कितना साल तक? 5 साल तक। उसके लिए आपको क्या करेंगे हम लोग, सहयोग भी करेंगे, सहायता राशि भी देंगे, लेना होगा। सरकारी स्कीम आता है और स्कीम को देखिए, हम लोग जागरूक ही नहीं है। आप जाके लड़िए BDO CEO साहब को, बोलिए देखिए स्कीम आया दीजिए, तब उसको देगा। और नहीं जाइएगा तो केवल कागज कलम में हो रहा है, कागज कलम में 5 लाख आदमी को 100-100 पेड़ मिल गया होगा, केवल कहाँ मिला है, पेपर में। अब वास्तविकता क्या है वो कौन जानता है कि कितना लगा या कितना नहीं लगा। हो सकता है मिला भी होगा वास्तविकता में भी, लेकिन वो तो अलग बात है। खैर आगे आगे, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। प्रखंड में भी और जिला, मतलब हाइब्रिड। प्रसंस्करण कहने का मतलब ये नहीं कि आपको वही जो हमारे इस घर में होता है छोटा छोटा अमरूद, उसका पेड़ दे दिया फलदार पेड़ बोल के, उसको कौन खरीदेगा। वो वाला अमरूद चाहिए ना जो मार्केट में एकदम प्लास्टिक में भर के सिंगल सिंगल आता है, तब ना उसको बेचेंगे मार्केट में। अब आम मान लेते हैं, चुसनी आम मिल गया, जो आम गांव में होता है ना छोटा छोटा आम, कितना आदमी खरीद, टिकोरा वाला लेके उलेड़ दीजिए, खरीदने वाला लोग नहीं मिलेगा, 20 रुपये में दीजिएगा। और वही आम मालदा लगा दीजिए, दशहरी लगा लीजिए, तो महंगा मिलेगा ना। तो वही कह रहा है, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए, उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, मतलब मार्केट आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास आम बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है तो आपका यहाँ पे मार्केट है, आप आके यहाँ पर बेच के चले जाइए, मार्केटिंग कर देगा सरकार, ठीक है। ऐसे ई नाम चलता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए एक स्पेशल साइट है, इसका नाम है ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। किसी के आगे ई लगा दिया है मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बोलते हैं हम लोग, तो इसी कौन है, ई नाम है। खैर इनाम मतलब पैसा नहीं बोल रहे हैं, इनाम राशि नहीं बोल रहे हैं, ई और नाम, नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ओके। अब देखिए साथ ही साथ क्या बोला है कि जो परिवार लोग को देंगे तो प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपया, ठीक बोल रहे हैं ना, 50,000 रुपया का निश्चित क्या होगा, वार्षिक आमदनी होगा। कितना हजार रुपया का, 50,000 रुपया का। और मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जो पेड़ लगवाएगा तो कोई फ्री में लगा देगा, तो जो 5 करोड़ पौधे का रोपण करेगा, जो पौधा लगाने में किसका यूज किया जाएगा, यहाँ के लोगों का। तो मनरेगा के तहत इसमें क्या होगा, 25 करोड़ मानव दिवस, कितना करोड़, 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। मतलब मानव दिवस कहने का मतलब वर्किंग डे, 25 करोड़ वर्किंग डे होगा, मतलब लोग काम करेंगे। अगर 5 लाख लोग काम करेंगे तो 25 करोड़ है, तो एक एक लोग को बहुत दिन का काम मिलेगा, 50 दिन 100 दिन का काम मिलेगा, मिलेगा ना। तो पूरे झारखंड में इस योजना के तहत कितना करोड़, 25 करोड़ मानव दिवस का क्या होगा, सृजन होगा। कितना करोड़ पेड़ लगाएंगे, 5 करोड़, कितना करोड़, 5 करोड़। और 5 लाख परिवार को कितना पेड़, योजना कब आया, 4 मई 2000, किसी का बनाया हुआ है क्या, सरकारी योजना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो ये कौन सा योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, याद रहेगा बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत क्या बताएं हम लोग अभी कि कितना एकड़, 1400 एकड़ प्रति भूमि क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, ओके।
1400 एकड़ प्रत्येक जिला में प्रति भूमि आवंटित किया जाएगा। और एम कितना लगाने का? 5 करोड़, है ना। इससे कितना मानव दिवस का सृजन होगा? 25 करोड़ मानव दिवस का क्या होगा? सृजन होगा। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग कल बात करेंगे वन प्रबंधन का, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। क्लियर? चलिए ठीक है, आज इतना ही रहेगा।